शुरुआत करने से पहले हम MBBS और MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते पब्लिश करते हैं, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिंग को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द मोक्स वेबिनार ऑन MBBS इंडिया एंड अब्रॉड। सो बिफोर आई स्टार्ट द वेबिनार, यू नो आई मीन आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंड you know and maybe give you a perspective, all right, that medicine as a career, all right, is a big decision, right? NEET examination was just a stepping stone. You are looking at lot of other challenges going forward, all right? Understand very very simple thing, this is what your profession is, such that whatever you study, you are going to apply and it is going to affect human life, all right? So whatever nuances, whatever discussion we will have, you have to keep end goal in the mind that I need to be efficient enough so that I can treat a human life, all right? So ye jo bhi discussion hone wala hai, aapko ye dimag mein zarur rakhna hai ki hum kis tarah se acche ek doctor bane, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड हो, दैट इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड एंड मे बी रियलाइज ड्यूरिंग द सेशन या फिर यू नो लेटर ऑन मोक्ष की पैन इंडिया ऑफिसेज है, बट एंड गोल आप अपने माइंड में सेट कर लेना। अगर आपको MBBS या मेडिसिन करियर में जाना ही है 100%, तो रियलिटी ये है कि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, यू नो दैट इज योर प्राइमरी गोल, यू नो रेस्ट ऑल बिकम सेकेंडरी, बट आपको एंड गोल ये समझना है कि वॉट एवर यू विल लर्न, यू विल बी इन अ हॉस्पिटल, देयर विल बी अ पेशेंट हु विल बी रिलाइंग ऑन योर नॉलेज योर कॉम्पिटेंसी टू ट्रीट हिम और हर, राइट? तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल करियर, तो उसकी करियर प्लानिंग भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वे में होनी चाहिए। All right. So with this, let's quickly give you an overview of the statistics. You know, typically, you know, if you talk about NEET qualified and qualified, there are a lot of changes with MCIs kind of, you know, bringing about. बीच में हाल ही में नोटिफिकेशन था कि इस साल कोई 5 जून के पहले चले जाए, NEET unqualified रहे तो अलाउड होगा, बट बहुत लोगों के MCI सर्टिफिकेट्स आए नहीं है, तो काफी कंफ्यूजन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो वेयर यू आर NEET क्वालिफाइड, ऑलराइट, इन विच केस यू शुड हैव अ वेरी वेरी हाई स्कोर, लेट्स से अराउंड 500+, देन यू आर लुकिंग एट लाइक अ रियली गुड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। Some of you might think of an alternate career like BAMS, BPT, BHMS. But let me tell you, जो career rewarding MBBS आपको देने वाला है, उतना reward और उतना satisfaction आपको बाकी field में frankly नहीं मिलेगा. And specially in India, we have seen, you know, I mean, ये जो alternative medicine है, उसका इतना ज़्यादा commercial demand या उसका इतना ज़्यादा outcome in terms of जितना मेहनत आप करते हो, उतना outcome नहीं है, all right? So preferably what we recommend students is to take right decision at the right time, all right? So थोड़ा सा statistics की और भी थोड़ा बात कर लेते हैं, तो वो थोड़ा आपको आइडिया भी आ जाएगा what I'm trying to tell you. इस साल almost करीबन 16 लाख लोगों ने NEET की एग्जाम अपियर की है। ये जो रेशियो है वो हर साल बढ़ रहा है, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, दिस ईयर almost 16 lakh people have appeared the examination. Government में कितनी सीट है? 32,000. तो 16 lakh का अगर हम calculate करते तो सिर्फ 2% लोगों को admission मिलने वाला है in government colleges. Almost. All right? बहुत competitive है. बहुत ज़्यादा competitive है. और government seat achieve करने के लिए आपको score चाहिए 500+. And you already know what kind of challenges are there around this big word called as quota. So, कहने का मतलब it is difficult, you know. So, in spite of a very good rank,
इफ यू डोंट फिट इन द डायनामिक्स ऑफ कोटा, जहां पे आपका पर्टिकुलर रैंक आपके पर्टिकुलर स्टेट में आपके पर्टिकुलर नेशनल कोटा में मैच नहीं होता, तो इट इज डिफिकल्ट. ऑलराइट, सो नाउ सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, बट दीज आर ग्रॉसली एक्सपेंसिव. मिनिमम 80 से 90 लाख रुपए आपके एक्सपेंडिचर है टू डू MBBS, सिर्फ MBBS का प्राइवेट कॉलेज में. और अगर आप PG की बात करते हैं तो मिनिमम 1 से 1.25 करोड़ रुपया फीस पर ईयर का, वैसे 2 या 3 साल के कोर्स रहते हैं. तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हो तो यहां पे 4 करोड़ रुपए का है पीजी तक का. और यहां पे टॉप नॉच में आना है, मतलब टेक्निकली सिर्फ 4% लोगों को कोई ना कोई MBBS की सीट्स मिलेगी. तो बाकी जो एस्पिरेंट्स है जो अभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि उनको भी एक फिजिशियन बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, कंपटीशन से डर के दे कैन नॉट गिव अप. ऑलराइट, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो MBBS अब्रॉड का करियर ऑप्शन चूज करते हैं. ऑलराइट, एंड दिस नंबर इज इंक्रीज इन ईयर ऑन ईयर. अब यहां पे वापस अलग तरह की चैलेंज है. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा MBBS करे, स्टूडेंट ने भी सोच लिया है कि बस मुझे करना तो MBBS ही है, तो वो अपने रिसर्च सर्च में लगा जाता है. और जैसे ही वो रिसर्च में लगता है तो काफी छोटे मोटे एजेंट्स लोग उनके संपर्क में आते हैं, जो उनको इस तरह की यूनिवर्सिटीज रेकमेंड करते हैं जो आइडियली वो खुद के या किसी और के रिलेटिव को कभी रिकमेंड नहीं करेंगे. कंट्रीज लाइक फिलीपींस, जॉर्जिया, मॉरिशियस, जहां पे पेशेंट्स ही नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. मतलब तो क्या हो रहा है कि ये जो 25,000 लोग जा रहे वो सारे अच्छी जगह पर नहीं जा रहे, अनफॉर्चुनेटली उनको गलत राह दिखाया जा रहा है. लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यू नो करीबियन में कहते हैं 40 लाख में आपका कोर्स हो जाएगा, बट रियालिटी क्या है वो किसी को पता नहीं. तो आज का जो हमारा सेशन है वही एक आई ओपनर बनना चाहता है कि आप हम आपको बता सके कि व्हाट इज द राइट वे टू चूज अ यूनिवर्सिटी अब्रॉड. ऑल राइट, इफ यू गेट इनटू गवर्नमेंट इन इंडिया नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर यूनिवर्सिटी अब्रॉड चूज करना है तो बहुत जरूरी है कि आप राइट वे और राइट थिंग चूज करो. ऑल राइट, सो ये बेसिक डेटा था रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन टू अ इंडियन मेडिकल कॉलेज स्पेशली इन गवर्नमेंट. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट आर द चेंजेस इस बार नीट के, जो मुख्य मेजर चेंजेस जो आए हैं, नीट क्वालिफिकेशन इज कंपल्सरी इन 2019 फॉर MBBS अब्रॉड. ऑलराइट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन लाया था कि नेक्स्ट ईयर NLE एग्जाम वो इंट्रोड्यूस करेंगे और वो FMG और नीट PG ये दो एग्जाम को रिप्लेस करने वाली है. ये एक बिल पास हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का कार्यकाल विंटर सेशन का खत्म हो गया था तो बिल लैप्स हो चुका था, बट सेम गवर्नमेंट हैज बीन री इलेक्टेड, तो ये श्योर बात है कि ये वापस आ जाएगा. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि चाहे आप MBBS इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, आपको ये एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा. पहले कैसा था कि सिर्फ अब्रॉड वाले बच्चे FMG का एग्जाम देते थे. ऑलराइट, बट अभी ये बच्चे इंडिया से पढ़ो या अब्रॉड से पढ़ो ये देना पड़ेगा. नीट स्कोर आपके अभी 3 साल के लिए वैलिड होने वाले. ऑलराइट, तो ये अगेन अ मेजर चेंज आया है सिस्टम में. नाउ अगर हम MBBS अब्रॉड का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये एजेंट्स है वो बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं. ऑलराइट, आपको ऐसी जगह चूज करनी है जहां पे इंफ्रा अच्छा है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, MCI अप्रूव्ड है और लो कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो वो कहेंगे बांग्लादेश चले जाओ, उसमें ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही कॉस्ट लो कॉस्ट है. नेपाल जाकर आओ, नेपाल तो मैं खुद गया हूं, मैंने खुद मेडिकल कॉलेजेस विजिट की है,
ना ही इंफ्रा अच्छा है, ना ही कॉस्ट एक्सपेंसिव। इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कॉस्ट की ये सारी यूनिवर्सिटीज होती है। तो अगेन बांग्लादेश नॉट रिकमेंडेड, नेपाल नॉट रिकमेंडेड। फिर कुछ लोग आपको सलाह देंगे फिलीपींस चले जाओ, पर ये नहीं बताएंगे फिलीपींस में एमबीबीएस करना है तो एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है। जो कोर्स के लिए आपको भेजते हैं वो तो एक बीएस कोर्स होता है, वो बीएससी का कोर्स होता है, और अगर एमबीबीएस करना है तो एनमैट करके एक एग्जाम देनी पड़ती है। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसी कॉलेजेस चूज करनी है कि आप इन पैरामीटर में ये सारी चीजें फिट हो जाए। ऑलराइट, तो ये बहुत बेसिक चीज है, वो आप दिमाग में रखना। कभी भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करो, क्या वो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है, क्या वो यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में देख लो, एमसीआई अप्रूवल लिस्ट में है ही नहीं, बट आपको कोई बताएगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंट्रेंस एग्जाम है या नहीं है, और कॉस्ट। ऑलराइट, तो एक और स्लाइड आपको मैं बता दूंगा, आई एम श्योर उसके बाद आपको अपने आप समझ जाएगा कि कैसे शॉर्टलिस्ट करना है एक यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, तो ये जो स्लाइड में बताने जा रहा हूं, ये स्लाइड में आपको डिटेल में बताया गया है सीक्रेट्स ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। इसके तीन पहलू है, इंपॉर्टेंट टिप्स, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और करियर ब्रेकर्स। क्या जरूर करना है, क्या बहुत आवश्यक है, और क्या जरूर नहीं करना। ऑलराइट, तो एमबीबीएस अब्रॉड की अगर आप रिसर्च में चले जाते हो तो पहले तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ जुड़ रहे हो। चूज अ करियर प्लानर, नॉट एन एजेंट। एजेंट का काम है आपसे चंद पैसे लेकर गायब हो जाना, दैट्स इट। उसका काम है कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी भेजना जहां पे वो अपने रिलेटिव को भी नहीं भेजेगा, किसी नोन आदमी को नहीं भेजेगा, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ कमीशन कमाना है। वहां जाकर आपका क्या हो रहा है उनको कोई वास्ता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप करियर प्लानर को चुनिए, बिकॉज करियर प्लानर आपके साथ एंड तक रहेंगे, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ एमबीबीएस तक की नहीं है, बात है एमडी एमएस तक की। आज की डेट में सिर्फ एमबीबीएस की वैल्यू नहीं है, जो भी प्लानिंग हम करवाते हैं, हम रिकमेंड करते हैं, ये प्लानिंग होनी चाहिए आपकी एमडी एमएस तक की, पीजी तक की। योर करियर शुड बी प्लान्ड राइट अप टू पीजी, कि भैया पीजी में कौन से कंट्री में कर सकता हूं, उसके बाद सेटल कौन से कंट्री में हो सकता हूं। क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कंट्री में मुझे पीजी करना है वो कंट्री में मैं सेटल हो जाऊं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में सेटल होना चाहता हूं उस कंट्री में मुझे पीजी करने मिले या ना मिले। तो ये वाले जो पैरामीटर्स है वो जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जैसे हम कोई कार या बाइक खरीदते हैं तो उसमें हमेशा हम इंश्योरेंस जरूर खरीदते हैं, उसी तरह अगर एमबीबीएस अब्रॉड करना है और अगर आप एमसीआई या एफएमजी या नेक्स्ट कोचिंग डे वन से अगर आप नहीं करोगे तो आप ये लाइसेंस कभी इंडिया में पा नहीं पाओगे जब रिटर्न आओगे। तो आपको जब एमबीबीएस अब्रॉड का करियर चूज करना है साथ ही साथ एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। ऑलराइट, ये किस तरह से होता है वो सारा हमारा मोक्ष काउंसलर आपको बता देंगे। एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी क्वेरी होगा आप हॉटलाइन पे कॉल कीजिएगा। देखो ये हम श्योर है कि अगर आप ये 9 पॉइंट समझ लेंगे तो आप कोई गलत यूनिवर्सिटी नहीं चूज करेंगे, चाहे आप मोक्ष से प्रिपेयर करिए या चाहे कोई और कंसल्टेंट से थ्रू आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सही जगह पर जाओगे, ये हमारी गारंटी है। दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। इंडिया हो या अब्रॉड हो, हम तो वही रेकमेंड करते हैं कि चूज ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। बहुत जरूरी हो जाता है कि यू चूज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। आपको क्विकली एग्जाम्पल बता देता हूं। ऑलराइट, आपको जब भी कोई चूज करना हो, कोई भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड में हो या इंडिया में हो, हमेशा ये वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल।
आपको मैं इंडियन एग्जाम्पल दूंगा, फिर इंटरनेशनल दूंगा, तो आपको आइडिया आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, अगर ये कॉलेज यहां पर लिस्टेड नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ऑल राइट, तो लेट से हम एग्जाम्पल दे लेते हैं मुंबई की। चलो मैं मुंबई यहां पे टाइप कर लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुंबई में कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं? रिजल्ट हमें वर्ल्ड डायरेक्टरी बता देगा, 9 मेडिकल कॉलेजेस है। अब सबसे फेमस जो बॉम्बे में कॉलेज है वो है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज। ऑल राइट, इसको लोग केईएम हॉस्पिटल भी कहते हैं। 1926 में ये यूनिवर्सिटी बनी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और उससे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारी डिग्री यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, क्या ये डिग्री अमेरिका में, कनाडा में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो हमें चेक करना है स्पॉन्सर नोट्स। अब आप देखोगे कनाडा और यूएस दोनों में ये एक्सेप्टेड है और ये यूनिवर्सिटी 100 ईयर्स पुरानी है। तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, ये बहुत जरूरी है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, सेम बॉम्बे का ही एग्जाम्पल दूंगा। बाहर आप जा ही रहे अभी फिलहाल, बॉम्बे में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, कूपर हॉस्पिटल। ये कॉलेज 2015 में बनी है, गवर्नमेंट है, बट क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली? नो, दिस कॉलेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। तो क्या होगा, आप एमबीबीएस तो कर लोगे बट इसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कहीं पे भी कुछ करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। अब इसी तरह से इंडिया में काफी अलग अलग कॉलेजेस ओपन हुई है जो ये लिस्ट में है ही नहीं। ऑल राइट, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैसे बताऊं, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको रियलिटी पता चले। अभी एक कॉलेज है सांगली करके, महाराष्ट्र में एक प्लेस है, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल राइट, प्रॉपर मेडिकल कॉलेज है, वेबसाइट है, सब कुछ है, शायद एमपीए अप्रूव भी होगा, क्या पता। अब यही कॉलेज अगर यहां पर हम देखेंगे, ठीक है मैं ये हटा देता हूं, ये इंडिया कर देता हूं और प्रकाश करेंगे, PRAKAS सर्च करेंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड। ना ही ये कॉलेज वर्ल्ड डायरेक्टरी में है ना ही ये रजिस्टर्ड है। तो क्या हो जाता है कि इंडिया में आज की डेट में प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के काफी नई नई मेडिकल कॉलेजेस खुल रही, बट क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड डायरेक्टरी में, क्या वो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है? ये बहुत जरूरी होगा आपको चेक करना। आप डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यूक्रेन बता देता हूं, ठीक है। यूक्रेन में फॉर एग्जाम्पल बुकोविनियन करके यूनिवर्सिटी है, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल कॉलेज, 1944, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इंग्लिश में करवाते हैं और रिकॉग्नाइज्ड इन यूएस एंड कनाडा। चाइना देख लीजिए, हम कोई भी कंट्री देख लीजिए, इनफैक्ट ये बहुत जरूरी होगा। इनफैक्ट आई विल कम बैक टू द चाइनीज पॉइंट राइट नाउ वेरी सून। तो मेरा जो पहला पॉइंट था वो आप आई एम श्योर समझ गए हैं कि चूज ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट है मिनिमम 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है चूज प्रोग्राम्स टॉट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको एजेंट्स बताएंगे नहीं। हम एक एक कंट्री वन बाय वन लेंगे, पहले हम रशिया की तहकीकात करते हैं, और जब भी आपको रिसर्च करना है ना तो आप मेरी या आप किसी और एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की, करियर प्लानर की बातें ना सुनिए, आप गवर्नमेंट की बातें सुनिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट तो कभी गलत कहेगा नहीं, तो कभी भी कोई यूनिवर्सिटी या किसी चीज का रिसर्च करना है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए। तो अब मैं जाता हूं इंडियन इंडियन एम्बेसी रशिया पे। अब
अब पहले हम रशिया पे रिसर्च करते हैं, ऑलराइट। ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एम्बेसी रशिया की। अब उन्होंने काफी चीजें दे रखी है, तो हर एक कंट्री के लिए ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड बहुत बड़ा डिसीजन है। एक तो एमसीआई मान्यता होनी चाहिए, दूसरी जो आप पैसे इन्वेस्ट करें उसके रिटर्न्स होने चाहिए, तीसरा आप इंडिया में प्रैक्टिस करना होना चाहिए। ऑलराइट, तो हम ये पहला फैक्टर देखते हैं जो गवर्नमेंट वहां की कह रही है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये इंडियन गवर्नमेंट है रशिया की, वो आपको कह रही है। ऑलराइट, ये कोई और नहीं कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको जो भी क्वेश्चंस है प्लीज टाइप इन कीजिएगा, मैं ये क्वेश्चंस एट द एंड डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। राइट नाउ बिकॉज आई एम इन द फ्लो ऑफ द वेबिनार आई एम नॉट एबल टू सॉल्व देम, बट एट द एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। तो पहला जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एम्बेसी खुद कह रही है कि देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया कि इंग्लिश मीडियम में ही कोर्सेज होते हैं रशिया में, बट दिस इज नॉट करेक्ट। रियलिटी क्या है कि बहुत कम, ऑलमोस्ट सिर्फ 20% ऑफ कॉलेजेस है जो इंग्लिश में सिखाते हैं। अ स्पेशल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू टीच इन इंग्लिश, अदरवाइज स्टूडेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि आप पहले एमबीबीएस की जगह रशियन समझने में सुलझ जाते हो, और जब तक रशियन सुलझाओगे एमबीबीएस उलझ जाता है, और जब आपका कोर्स खत्म होता है तब तक ना ही आपने एमबीबीएस समझा ना ही रशियन समझा, एंड देन इट अफेक्ट्स योर एमसीआई एग्जामिनेशन मार्क्स, और फिर एग्जाम में पास होना बहुत डिफिकल्ट होता है और पास रेट्स आपके काफी कम हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, चाहे रशिया हो या चाइना हो, क्या वो रशियन लैंग्वेज में है कि चाइनीज लैंग्वेज में है। ऑलराइट, चाइना ने तो बहुत सरल कर दिया है लैंग्वेज के केस में, बिकॉज एजेंट बहुत चीटिंग कर रहे थे और बहुत चीप यूनिवर्सिटीज में भेज रहे थे बच्चों को जो चाइनीज लैंग्वेज में थी, और फिर बच्चे एमसीआई पास नहीं हो पा रहे थे ना ही अच्छे डॉक्टर बन रहे थे। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ही अभी लिस्ट हाल ही में जारी किया है, आप सिर्फ गूगल कीजिएगा, आप न्यूज में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि उन्होंने अपनी 45 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट दिया है। वही 45 यूनिवर्सिटीज अब इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिट दे सकती है, और वो जो 45 यूनिवर्सिटीज है उसमें सारा का सारा कोर्स इंग्लिश में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंट चेंजेस आए हैं। एजेंट्स कहते हैं ये चीपर ऑप्शन है, 10 लाख में हो जाएगा, 15 लाख में हो जाएगा, और फिर प्रॉब्लम क्या है, वो कोर्स निकलता है बायलिंगुअल, और बायलिंगुअल मतलब वो कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑलराइट, तो अगर आप देखते हैं ये जो वेबसाइट है, आप कोई भी न्यूज आर्टिकल ओपन कर लीजिएगा, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अभी जो आपका कोर्स है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो ही रिकॉग्नाइज्ड होगा, अगर वो बाइलिंगुअल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑलराइट, तो आप मोक्ष के काउंसिलर्स को अगर पूछेंगे तो आपको ये पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा, टोटल लिस्ट ऑफ 45 यूनिवर्सिटीज जो इंग्लिश में ही टीच करती है। तो मोक्ष के जितने भी कोर्सेज है हमारे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑफर्ड है इन द चाइनीज यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, तो ये एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी ने खुद ने ये डिसीजन लिया है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब अब्रॉड में जाने का दूसरा क्या इश्यू है, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज बट स्पेसिफिकली रशियन एम्बेसी वालों ने क्लियरली वेबसाइट पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ फीस।
क्लियरली कहा गया है यहां पर कि आपको जो भी फीस पे करनी है यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस वो आप यूनिवर्सिटी को पे करिए, फी डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, नॉट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स एजेंट होते हैं ये पैसा लेके भाग जाते हैं। आप खुद सोचो, कोई बंदा है, अगर पहले साल की फीस हम 10 लाख भी पकड़ ले, एग्जाम्पल है, या जो कुछ साल दो कुछ लोग 2 या 3 साल इकट्ठा ले लेते हैं, और वैसे अगर इसके पास 100 लोग हैं तो एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, वो क्यों रहेगा, वो गायब हो जाएगा। देर आर सो मेनी कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कलेक्टिंग मनी बट नॉट डिपॉजिटिंग इट विथ यूनिवर्सिटी, और बच्चों का एडमिशन भी कैंसल हुआ है क्योंकि वो फेक होते हैं, वो कभी आपका एडमिशन करवाने वाले ही नहीं है। इसीलिए एक रूल है कि स्टूडेंट्स जो भी पैसा पे करना चाहते हैं, ये चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, चाइना हो, मोक्ष की तरफ से एडवाइस हर एक स्टूडेंट को है कि आप जो फीस है वो कंप्लीट फीस यूनिवर्सिटी को ही पे कीजिए। जो भी मोक्ष का कंसल्टेंसी फी है वो डेफिनेटली मोक्ष को पे करेंगे। अगर आपको ट्रैवल की सर्विसेज चाहिए, हमारी कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम क्लियरली डे वन को आपको डिटेल में कॉस्टिंग दे रहे हैं जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। ऑल राइट, बट अगर कोई आपको कहता है कि लंप सम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये पैसे हमें दे दीजिए और पहले साल की फीस हम खुद भर लेंगे, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारा हिडन कॉस्ट होता है। वो कहेंगे कि नहीं, हमारा कंसल्टेंसी फीस तो सिर्फ 50,000 है, बट जो 7 या 8 लाख रुपया ले लेते हैं वो यूनिवर्सिटी को उतने पैसे जमा नहीं करते। तो प्लीज ऐसी गलती कभी गलती से भी ना कीजिएगा। कोई भी कंसल्टेंट हो उनको कहो कि हम फीस यूनिवर्सिटी को ही पे करेंगे। फिर क्या इश्यू है, और क्या इश्यू होता है जनरली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ऑल राइट, हमने फीस देखा, हमने इंस्ट्रक्शन देखा, नेक्स्ट है एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑल राइट, आई थिंक द पेज इज लोडिंग, एक मिनट रुक जाइए। ऑल राइट, तो ये वेबसाइट में कुछ सालों पहले एमसीआई ने रिलीज किया था, अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है, बट यहाँ पे भी आपको बहुत देखना जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है। हम एग्जांपल देख लेते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल चलो यूक्रेन का देख लेते हैं। तो यूक्रेन में अभी यहाँ पे तो एक एक दो दो बंदे लोगे, बट बुकोविनियान, लवीव, विनित्सा, पास रेट है 30%, 20%, 22%। यहां तक कोई भी यूनिवर्सिटी है कोई टेंशन नहीं, आप सोच सकते हो यहां तक, जेप्रोजिया तक ठीक है, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। ऑल राइट, बट एट द सेम टाइम आपको समझना है ये एमसीआई फेल रेट क्यों होते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है कि स्टूडेंट पहले दिन से प्रिपेयर नहीं करते। इनफैक्ट इसीलिए मोक्ष ने एमसीआई की ऐसी कोचिंग बनाई है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में चले जाओ तब से ही प्रिपेयर करो, एंड बिकॉज ऑफ विच पास रेट्स आर इंप्रूविंग ड्रास्टिकली। ऑलराइट, तो ये बहुत जरूरी है। आप ये वेबसाइट पे आपको पूरा एमसीआई का लिस्ट मिल जाएगा, आप रेफर कीजिएगा एंड देन टेक अ डिसीजन ऑन यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप रशिया सोच रहे हो। ऑलराइट, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। जो रशियन में यूनिवर्सिटीज होती है एमबीबीएस के लिए, ऑलराइट, वो एक कैटेगरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में आती है, और एक कैटेगरी है जो सॉरी थोड़ा नेट का इश्यू है, दूसरी कैटेगरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस में आती है।
यहां पे 28 है, वहां पे 20 यूनिवर्सिटी है। एंड माइंड यू, जो जो टॉप फोर यूनिवर्सिटीज है वही यूनिवर्सिटीज एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ाती है। ऑलराइट, तो हम रेकमेंड करते हैं सिंपल, यहां के टॉप फोर या फिर जो नीचे की टॉप फोर है, हम उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटीज रेकमेंड नहीं करते। बहुत जरूरी है आपको ये जानना और समझना। यहाँ पे भी लिस्ट आप देखोगे तो टॉप फोर, दैट्स इट, इसके नीचे आपको नहीं जाना है। यू नो अनफॉर्चुनेटली कुछ एजेंट्स कहेंगे मरी यूनिवर्सिटी बहुत नीचे है, कुछ कहेंगे ओरेल यूनिवर्सिटी नॉट रेकमेंडेड। ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में चले जाओ जहां पे कोर्स रशियन में है, कोई वैल्यू नहीं होगा। कोई कहेंगे ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नॉट रेकमेंडेड। बहुत जरूरी है अपना रिसर्च करना। औरंगाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी नॉट रेकमेंडेड, क्योंकि आप उलझ जाओगे रशियन लैंग्वेज में ही। बहुत जरूरी है कि अगर इंग्लिश में कोर्स है तो ही हम जाने वाले हैं। ऑलराइट, तो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड व्हेन यू डिसाइड अबाउट यूनिवर्सिटी। लेट अस रिपीट अगेन कि ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मिनिमम 100 इयर्स एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज शुड बी इन इंग्लिश ओनली। ऑलराइट, अब क्या हमें नहीं करना, व्हाट इज समथिंग जो हमें डेफिनेटली नहीं करना है। डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ एजेंट जो कहते हैं फिलीपींस चले जाओ, अमेरिकन सिस्टम की जैसा है। फिलीपींस इज एन ऑप्शन जो हम रेकमेंड नहीं करते हैं, सिंपली बिकॉज फिलीपींस में जो कोर्स है वो बीएस बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, उसके बाद एनमैट की एग्जाम देनी पड़ती है। अगर एनमैट की एग्जाम पास हुए तो ही आप वो कंट्री में एमबीबीएस कर सकते हो। और माइंड यू, एमबीबीएस की जो एनमैट की वहां की एग्जाम है वो नीट से भी डिफिकल्ट होती है। अब ये हमें क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि काफी एजेंट्स हैं इंडिया में गुमराह कर रहे लोगों को। बहुत इजी एग्जाम है, एनमैट तो आप यूं ही निकाल लोगे। अरे डोंट वरी, बहुत सारे जगह पे, महाराष्ट्र में बोलो, नॉर्थ में बोलो, सब जगह पे बहुत गलत गलत इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी जा रही है। ऑलराइट, अगेन मुझे बिलीव मत कीजिए, एम्बेसी को बिलीव कीजिए। इंडियन एम्बेसी फिलीपींस, एम्बेसी वाले खुद कह रहे हैं कि हमारे पास वेरी रेगुलरली कंप्लेंट्स आ रही है इस चीज की, और वो परेशान हो गए और उन्होंने एक बड़ा नोटिफिकेशन डाला है। एम्बेसी के नोटिस में आया है कि एजेंट्स लोग झूठ बोलकर एडमिशन करवाते हैं एमबीबीएस में। यूनिवर्सिटी एजेंट्स पैसे लेके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे नहीं डालते। ये जो इश्यूज रशियन एम्बेसी बोल रही है वही यही इश्यू सेम फिलीपींस की एम्बेसी बोल रही है। ऑलराइट, सारी इंस्टीट्यूशंस एमसीआई की रिकॉग्नाइज नहीं है। और क्या इश्यू है, सबसे बड़ा इश्यू एनमैट एग्जाम का। एम्बेसी खुद कह रही है कि स्टूडेंट्स को ये बताया ही नहीं जाता कि एनमैट एग्जाम होता है। एजुकेशन इन इंडिया डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन इन एजेंट्स कि भाई एनमैट एग्जाम देना पड़ता है। और पास रेट क्या है, सिर्फ 40% 40%, तो लोगों को एडमिशन मिलता ही नहीं है।
although another information not clarified to students in India that as per rules there is a quota of seats. कोटा से ज्यादा आपको सीट्स नहीं दे सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में ऐसे है कि हर एक स्टूडेंट को मिल जाता है, तो बीएस के लिए सबको एडमिशन दे देंगे, एमबीबीएस के लिए कोटा होता है, बट ये आपको जरूर बताएंगे नहीं ये लोग। तो ये बहुत ज्यादा यू नो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कंसल्टेंट आपको फिलीपींस रिकमेंड कर रहा है, समझ लो उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है and which is not recommended. You should be given a real knowledge, unbiased knowledge. चाहे आप वो consultant के through जाओ ना जाओ, that's a different story, but आपको reality पता होना बहुत जरूरी है. All right, so this is something which I wanted to kind of bring to your notice. I am not trying to scare you. I hope आप समझ रहे हो. All right, but it is very important certain things to be discussed. तो अभी quickly हम ये check कर लेते हैं. Be very careful about Georgia. अब ये Georgia की क्या कहानी है? Again, छोटा सा island. Agent कहते हैं यूरोप में है. Agent कहते हैं ये कोर्स करिए, आप आराम से Schengen वीजा लेके बड़ी से बड़ी कंट्री यूरोप में प्रैक्टिस कर देंगे. एजेंट कहते हैं बहुत चीप है, एक्सपेंसिव नहीं है. अगेन अ फेक इंफॉर्मेशन. एंड आप में से काफी लोगों को ये सुनकर शायद यू नो आश्चर्य होगा कि इतना छोटा प्लेस है कि यहाँ पर खुद की इंडियन एम्बेसी भी नहीं है. हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो नियरेस्ट जॉर्जिया के एक दूसरा कंट्री है आर्मेनिया, वहां पर है. इतना मतलब इट इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट फ्रॉम अवर डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. इतना छोटा कंट्री है. ऑलराइट, और अगर आप और गूगल करेंगे तो आप जानेंगे कि कुछ साल पहले लोगों को डिपोर्ट किया गया था, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जॉर्जिया से वापस भेजा गया था. ऑलराइट, वहां पर थोड़ा रूल्स और सब चीजें थोड़ी अलग तरीके से चलती है, बट एजेंट्स आपको ये सारी बातें कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको सिर्फ इतना ही है वो एडमिशन अचीव कर ले, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो बहुत ज्यादा कमीशन देती है. वो चाहते हैं कि एजेंट्स सिर्फ और सिर्फ जॉर्जिया में ही जाए, ताकि वो एजेंट्स रिकमेंड करे, ताकि यू नो स्टूडेंट्स यू नो do not get a real picture, and ultimately it is affecting a career of a student. अब का एम्बेसी क्या कह रही है? आर्मेनिया एंड जॉर्जिया आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोप. ये कोई नहीं बताएगा. क्या सारी डिग्री एमसीआई में रिकग्निश है? क्या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है? ये कोई नहीं बताएगा. तो कहते हैं कि आप जॉर्जिया आने से पहले एमसीआई से चेक कीजिए, बहुत जरूरी है ये चीजें. दूसरी बात, इतना छोटा शहर है कि कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं होती, तो स्टूडेंट्स को हॉस्टल की अवेलेबिलिटी चेक करनी है. मेजॉरिटी हॉस्टल कॉलेजेस में हॉस्टल होती ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स को होटेल्स में रहना पड़ता है, रिसॉर्ट्स में रहना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. और सबसे आई मीन यू नो आई फील इट्स लाइक अ जोक. आप हेल्थ केयर कोर्स करने जा रहे हो और एम्बेसी खुद कहती है कि एनी स्टूडेंट जिसको जॉर्जिया और अमेरिका में आते हो तो ट्रीटमेंट होता करना है किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड या सर्जरी, तो आप इंडिया में चले जाइए. मतलब ऐसी कंट्री जहां पे कोई हेल्थ केयर की थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो आपको एम्बेसी कहती है इंडिया चले जाइए, उस कंट्री में आप हेल्थ केयर पढ़ने जाओगे? मतलब बहुत मतलब वी फील बैड यू नो कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है. तो ये बहुत जरूरी है, आप ये पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा एंड फिर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी चूज करिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है. यू नो बिकॉज लॉट ऑफ एजेंट्स आर जस्ट वेटिंग टू टेक एडवांटेज
ऑफ द फैक्ट कि आपको नॉलेज नहीं है, बट उन एजेंट्स को आप बताइए कि हमें सारा, हमने रिसर्च कर रखा है, हमें सारे पॉइंट्स पता है. नेवर गिव ट्यूशन फी इन द हैंड्स ऑफ काउंसलर और कंसल्टेंट. फीस आपको यूनिवर्सिटी में ही पे करनी है. नेवर चूज फिलीपींस ड्यू टू एनमैट. चूज इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज मिनिमम 100 ईयर्स. चूज ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. अगर इतनी क्लैरिटी अगर आपको आ जाएगी तो आई एम 100% श्योर कि आप जो डिसीजन लोगे, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, इट विल बी अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. ऑलराइट, नाउ क्विकली लेट मी शो यू द यूएस पार्ट, बिकॉज बहुत लोगों ने बोला है कि अंडर ग्रेजुएशन अमेरिका से करना चाहते. वेल, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, उसकी कुछ अलग ही रियलिटी है. मैं क्विकली आपको बता देता हूं, यूजी नहीं कर सकते हो, करीबियन आइलैंड से कर सकते हो मगर यूएस से नहीं कर सकते. ऑलराइट, क्विकली लेट मी शो यू दैट. तो अब अगर आप देखते हैं तो ये डिसीजन मैट्रिक्स अगर आप समझ जाओगे तो आप एमबीबीएस अब्रॉड समझ पाओगे. तो कैसा है कि अगर आपको एमबीबीएस करना है अब्रॉड से, तो तीन तरह की कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है और उसके तीन तरह के आउटकम है. अमेरिका में जब आप पीजी करना चाहते पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीबीएस के बाद, तो ट्यूशन फी नहीं रहती है, आपको साल की 25 लाख की सैलरी मिलती है. तो अमेरिका से पीजी करना ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, बट उसके लिए एक यूएसएमएलई की एग्जाम्स देनी पड़ती है. ऑलराइट, तो और इंडिया में अगर सेटल होना है तो एफएमजी एमसीआई की या नेक्स्ट की एग्जाम देनी है. तो अगर आपका बजट 20 से 25 लाख का है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लस एफएमजी एमसीआई की कोचिंग कर लीजिएगा. अगर आपका बजट 40 से 50 लाख का है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड इन रशिया, इंग्लिश स्पीकिंग यूक्रेन या चाइना चले जाइए. साथ में यूएसएमएलई का प्रोग्राम है जिसमें आपका एग्जाम्स का खर्चा अराउंड 10 लाख का है और 15 लाख का खर्चा आपका अमेरिका में हॉस्पिटल में काम करने का है, तो टोटल 25 लाख का खर्चा है. तो 50 लाख के बजट में आपको अमेरिका से पीजी स्टार्ट हो जाएगी. पीजी के लिए कोई फीस ही नहीं होती, हर साल आपको सैलरी मिलती है. और अगर डायरेक्ट अमेरिका जाना है तो वो करीबियन रूट से होता है. जब किसी का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट होता है इंडिया में तो हम उसको रेकमेंड करते हैं 80-90 लाख स्पेंड करके अमेरिका से पीजी करिए. ऑलराइट, तो ये बजट आपका डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है. यूएस इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू पीजी बट नॉट यूजी. अंडरग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसका क्या रीजन है तो आपको मैं क्विकली बता देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाएगी. लेट मी क्विकली शो यू. ऑल राइट, तो ये कंपैरिजन है टू अंडरस्टैंड कंट्री एंड देयर कोर्सेस. तो अंडरग्रेड डिग्री इंडिया में एमबीबीएस कहते हैं जो 5.5 साल की होती है, चाइना में 5.5 की होती है, यूक्रेन और रशिया में 6 इयर्स का होता है, अमेरिका में 8 साल का होता है. क्योंकि अमेरिका में पहले आपको 4 साल का बैचलर्स करना पड़ता है, उसके बाद एमकैट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद 4 साल का एमडी होता है. और जैसे इंडिया में एमबीबीएस के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अमेरिका में एमडी के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ऑलराइट, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको पीजी करना कंपलसरी है. तो जो अमेरिका में, प्रॉपर अमेरिका की बात कर रहा हूं, यूएसए की आपको मैं मैप में बताऊंगा. एजेंट्स आपको कहेंगे करेबियन भी यूएस में आया, करेबियन यूएस में नहीं आता है. अगर अमेरिका में एमडी करना है, ऑलराइट, तो आपका खर्चा होता है मिनिमम 4 करोड़ रुपया,
मिनिमम। बट उसके बाद जो इंडिया में पीजी होता है उसको एमडीएमएस कहते हैं, अमेरिका में रेसिडेंसी कहते हैं, जिसमें पढ़ते पढ़ते आपको 25 लाख की हर साल की सैलरी मिलेगी। सुपर स्पेशलाइजेशन डीएमएमसीएच कहते हैं, अमेरिका में उसको फेलोशिप कहते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते करते आपको 55 लाख की साल की सैलरी मिलती है। ऑल राइट, कॉम्पिटिशन भी कम है, चॉइस है, सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है, बट ये सब पीजी लेवल पे। तो अंडरग्रेड प्रॉपर अमेरिका से नहीं होता है, अंडरग्रेड होता है करेबियन रूट से। ऑल राइट, मगर यहां पर भी एजेंट्स सही जानकारी आपको नहीं देते, तो हम वो भी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं ताकि आप कुछ मिस ना करें। ऑल राइट, तो क्विकली लेट मी शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो जो यूएस का जो रूट है इंडियंस के लिए वो वाया करेबियन आइलैंड है। ऑल राइट, अब अमेरिका एज अ होल ये पार्ट होता है जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ये यूएस है। अब करिबियन आइलैंड है वो सेंट्रल अमेरिका में आते हैं, जहां पे मेक्सिको और ये सब जगहें आती है, और एक साउथ अमेरिका करके जगह है। ऑलराइट, तो ये अलग कॉन्टिनेंट है, मगर एजेंट कहेंगे नहीं ये भी अमेरिका है, नहीं ये करिबियन आइलैंड है। ऑलराइट, और उसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, तो वो भी हम जान लेते हैं क्विकली कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज। तो करेबियन आइलैंड में टिपिकली कोर्स जैसे रशिया चाइना यूक्रेन में है 6 साल का, उसी तरह से होता है। पहले 2 साल प्रीमेड होते हैं, फिर 2 साल बेसिक मेडिकल साइंस, 2 साल का क्लिनिकल रोटेशन, एंड देन आपका पीजी स्टार्ट। तो 6 साल के अंदर आपका कोर्स हो जाता है। ऑल राइट, तो ड्यूरेशन वाइज सेम है, नो डिफरेंस। तो आप जैसे अमेरिका में 8 साल लगते हैं, अगर करेबियन रूट से जाते हैं तो सिर्फ 6 साल लगने वाले हैं। उसमें भी बेस्ट पार्ट ये है कि इनिशियल 2 साल आप, 4 साल आप करेबियन आइलैंड में हो, और फाइनल जो क्लिनिकल रोटेशन है वो अमेरिका में होता है। और अमेरिका में सेटल होना है जहां पे आपको पर ईयर 25 लाख की पीजी की सैलरी हो और कोई भी ट्यूशन फी ना हो पीजी के दौरान, तो यूएसएमएलई की एग्जाम देनी पड़ती है। तो जो करेबियन कॉलेजेस है उसका भी एक मापदंड होता है कि किस तरह की करेबियन कॉलेजेस सिलेक्ट की जाती है। तो उसके लिए एजेंसी है काम एचपी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एमसीआई इंडिया में है, करेबियन में काम एचपी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। और उसमें जो यूनिवर्सिटी है उसका 80 से 90 लाख का बजट होता है। ऑल राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिसर्च करिए अपना और फाइंड करिए यूनिवर्सिटी कहां पर है। अब लोग अपने मन से कह देते हैं कि नहीं आप चले जाइए लिंकन यूनिवर्सिटी, लिंकन अमेरिकन, तक्सिला अमेरिकन, इतनी फेक फेक यूनिवर्सिटी आपको क्या बताइए। बहुत जरूरी है कि काम एचपी के वेबसाइट पर जाइए और रियलिटी फाइंड कीजिए। काम एचपी एक्रेडिटेशन, जैसे एमसीआई है वैसे ही काम एचपी है, बट ये आपको बताएंगे नहीं, ये आपको कहेंगे चले जाइए लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पे अगर कोई यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब इस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये वहां का एमसीआई है, ये करेबियन का एमसीआई है। ऑल राइट, तो अगर किसी को करेबियन से पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे लिस्टेड होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्विकली यहाँ का देख लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस, फिर मैं क्वेश्चंस की ओर आ जाऊंगा, जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेंगे। असेस प्रोग्राम्स, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो यहां पे जिसको एक्रेडिशन मिला है उसकी वैल्यू है, कोई इनिशियल एक्रेडिशन लिखा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब टोटल 27 है, उसमें नॉट एक्रेडिटेड इनिशियल एक्रेडिशन,
ये सब की वैल्यू नहीं है। ऑल राइट, तो ये प्रोविजनल है नो प्रॉब्लम, बट इनिशियल है प्रॉब्लम है। अब देखो जो पॉपुलर था बच्चों का, तक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक्रीडेशन डिनाइड, बहुत एजेंट्स ने फंसा फंसा कर लोगों को भेजा था कि आप चले जाइए, और अब वो बच्चे फंसे हुए हैं, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। विंडसर यूनिवर्सिटी नॉट एक्रीडिटेड, ऑल राइट। तो अगर एक्रीडेशन नहीं है तो वो डिग्री की वैल्यू नहीं है। और ये लिस्ट में लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, अक्रीडिशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया। करीबियन मेडिकल यूनिवर्सिटी डिनाइड, एवलॉन डिनाइड, अमेरिकन यूनिवर्सिटी बारबाडोस, इनिशियल इनिशियल प्रोविजन है। और प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल प्रोविजन जो होता है वो बाद में विड्रॉ भी हो जाता है। जैसे यहां पर देखो, इनिशियल प्रोविजन विड्रॉ हो चुका है। तो अगर अमेरिकन बारबाडोस का देखे, इनिशियल एक्रीडिशन वो कभी भी विड्रॉ हो सकता है, होना चाहिए accreditation with condition, ये ठीक है। Spartan ये ठीक है, provisional है, provisional में problem नहीं, initial provisional में definitely problem है, all right? तो ये सब check करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। I hope you are able to understand this, कि जिनका budget है और वो सोच रहे हैं कि हमें करना है US वाला program है, उसको ये accreditation check करना बहुत जरूरी है। All right, so let's move ahead and quickly clear your basic funda of choosing a university. Let me quickly show you that, ताकि आपको complete clarity आ जाएगी about the process. तो ये जो career builder है, ये आपको एकदम clarity दे देगा। Let me quickly show you the career builder. ऑल राइट, तो अगर 12th में आपके पीसीबी के मार्क्स अच्छे हैं, नीट क्वालिफाइड है, राइट, और अगर आप बजट 25 टू 35 लाख तक के पकड़ के चल रहे हो, तो आप दो ऑप्शन है, एमसीआई कोचिंग कीजिएगा एंड इंडिया में डॉक्टर बन जाइए। अगर आपके पास एडिशनल 25 लाख का बजट है तो USMLE कीजिएगा और अमेरिका में सेटल हो जाइए। अमेरिका में 3 साल के पीजी के दौरान मिनिमम इनकम आपकी 1 करोड़ की होती है, और ये मैं इस स्टेटिस्टिक्स को गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरे खुद के 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अभी अमेरिका में सेटल्ड है। ऑल राइट, अगर आप नीट अनक्वालिफाइड है तो आप जर्मनी चले जाइए, जर्मन लैंग्वेज की कोचिंग कीजिए, पीजी जर्मनी में करिए, वहीं पे सेटल हो जाइए, क्योंकि जर्मन डिग्रीज इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो नीट अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड का कोई इश्यू नहीं है, एमसीआई रिकॉग्निशन का इश्यू नहीं है, आप वहीं पे सेटल हो सकते हैं। ऑल राइट, और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज का बजट है तो डायरेक्टली स्पार्टन रूट से पीजी यूएसए करके इंडिया में भी वापस आ सकते हो और अब्रॉड में भी सेटल हो सकते हो। अमेरिकन डिग्रीज आर रिकॉग्नाइज इन इंडिया as well as in abroad, all right? तो ये roadmap आपको समझना जरूरी है और उसको budget के framework में, accreditation और recognition के framework में बिठाना बहुत जरूरी है, all right? ये clarity अगर आपको होगी तो I am sure आप अच्छे से planning कर पाओगे, okay? For those, in fact, all of you who have appeared your NEET examination, I wish you all the best. आपका results आने वाला है on 5th and we will soon speak once your NEET result is out. All right? Thank you very much and I will see you for the next session very soon. Thank you.